तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खुशहाल में होंगे। स्वागत है एक नए वीडियो और एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे आर्चर्स मूवीज़ के बारे में। हम उन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जिस मूवीज़ के अंदर आर्चर जैसा कैरेक्टर देखने को मिला है, और ये सारे मूवीज़ आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। Like the rest of my family. There's something that makes me different. Great-great-grandfather, I want to be a musician just like you. नंबर 6, द ग्रेट वॉर। तो मूवी के अंदर देखने को मिलता है दो अमेरिकन करे पाउडर की खोज में ग्रेट वॉर ऑफ चाइना में पहुंच जाता है, और वहां वो दोनों मिलता है आर्चर की फौज से जो लड़ रहा है एक भयानक मॉन्सर की प्रजाति से जो बहुत ज़्यादा खतरा है। ये मॉन्सर हर चीज़ खा देता है जो जीवित है, और अगर ये मॉन्सर पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और आप इस मॉन्सर को वो सब किस तरह रोकता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 5, ड्रैगन नेस्ट वॉरियर्स डाउन। ये एक एनिमेशन मूवी है। मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि एक डेडली ड्रैगन हजारों सालों से नींद में है और अब वो जागने वाला है। अगर वो जाग जाएगा तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, और इस चीज़ को रोकने के लिए लेजेंडरी हीरोज एकजुट हो जाता है। और आप वो सब हीरोज उस ड्रैगन को किस तरह रोकेगा वो सब आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 4, एपिक। ये वन ऑफ द बेस्ट 3D एनिमेशन मूवी में से एक है। मूवी के अंदर दिखाया जाता है दो दुनिया जो एक ही दुनिया के अंदर है। एक है हमारा जैसा लोग, एक है द लीफ मैन जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और लीफ मैन जंगल की रखवाला है और कमार की आर्चर भी होता है। और मेंड्रिक नाम का एक कीड़ा जो भयानक है वो अपनी फौज के साथ पूरी जंगल को सड़ा देना चाहता है, और आप लीफ मैन जंगल को किस तरह प्रोटेक्ट करता है वो सब आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 3, द अवेंजर्स। तो इस मूवी से तो हम सब वाकिफ हैं, और हम बात करेंगे हॉकाई के बारे में। हॉकाई इज नोन एज द वर्ल्ड बिगेस्ट आर्चर। इस पूरी मूवी के अंदर हॉकाई लोकी के कंट्रोल में था, और हॉकाई ने बाकी एवेंजर्स को शिप में पूरी बैन ही बजा दिया था। और इससे पता चलता है कि हॉकाई कितना खतरनाक आर्चर है, और हॉकाई को हम और भी अच्छी तरह से जान पाएंगे हॉकाई की आने वाली सीरीज में। नंबर 2, द रॉर ऑफ द रिंग सीरीज। तो इस मूवी सीरीज को कौन बोल सकता है? 3 साल तक लगातार ऑस्कर अपने नाम पर किया हुआ एक लेजेंडरी मास्टरपीस फैंटेसी मूवी है। तो मूवी के अंदर काफ़ी यूनिक कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। डर्फ, बोने, विजर्ड, विच, एर्फ जैसा यूनिक कैरेक्टर, और ये एर्फ ही है जो कमार का आर्चर होता है। उनका एक भी निशाना चौंकता नहीं है। इस मूवी सीरीज ने बहुत ज़्यादा प्यार दी है, एंड दिस मूवी सीरीज आर नेवर फेड अवे। नंबर 1, वॉर्स ऑफ द एरोस। अगर आपको पूरी तरह आर्चर वाली मूवी देखना है तो इस मूवी को कतई मिस मत करना। नामयिंग एक कोरियन आर्चर होता है, और वो एक कबीले की ग्रुप से पंगा हो जाता है। उसका बाद जो होता है वो तो देखने का लायक है। इस मूवी का आर्चर सीन तो जितना तारीफ करो होता ही नहीं है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्चर मूवी में से एक है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को कतई मिस मत करना, क्योंकि इतना मज़ा शायद आपको कभी ना मिले। तो इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो से इंजॉय होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड आई मस्ट से थैंक यू।